अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है ये ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर की कैटेगरी में से है। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जाते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे इर्द गिर्द के, जिनको कोई परेशानी होती है और वो परेशानी को बर्दाश्त करते रहते हैं। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आई है, कुछ दिन के बाद वो जो है ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनकी जो है डिस्टर्बेंस ऑटोमेटिकली ठीक नहीं होती, जिनकी वजह से पेशेंट की पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल, एजुकेशनल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाती है। पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, पेशेंट की नींद ख़त्म हो जाती है, भूख ख़त्म हो जाती है, बॉडी के अंदर जैसे ही वो जो है पे इवेंट्स याद करते हैं उसके बाद कपकपाहट शुरू हो जाती है, आँखों के सामने अंधेरा आ जाता है, दिमाग जो है वो कोई भी चीज़ को कंसंट्रेट नहीं कर पाता। इसके अलावा जो है रात को जो है सोते हुए उन्हें डर लगता है, जैसे ही कोई छोटी सी बात होती है, कोई इवेंट याद आता है तो अचानक से उनके ऊपर एक खौफ तारी हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो वहाँ पर जो है पैनिक भी हो जाते हैं। अगर किसी भी पेशेंट के अंदर इस तरह के सिम्टम्स हैं और उन सिम्टम का जो ड्यूरेशन है वो 30 दिन से ऊपर है, तो तब हम जाकर इस डिसऑर्डर के अंदर पेशेंट को डायग्नोज करते हैं और इसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर की सिम्टम जो है हमेशा लिंक करती हैं किसी ना किसी स्ट्रेस के साथ, और वो स्ट्रेसर जो है उस पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेसर को रिजॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि इन पेशेंट्स के अंदर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, टेक्निक नहीं होती, जिसकी वजह से वो अक्सर जो है इस तरह के इंसिडेंट्स को फेस करते हैं। इसके पीछे डिफरेंट काजेज हैं। हमारे कल्चर में जो है लव वन की अगर डेथ हो जाए तो पेशेंट जो है इस डिसऑर्डर के साथ बहुत ज़्यादा डायग्नोज किए जाते हैं, क्योंकि वो कभी भी उन्होंने नहीं सोचा होता कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। अचानक से जो है कार एक्सीडेंट हो जाए तो तब भी जो है पेशेंट इस तरह की इंसिडेंट को फेस करते हैं, और उसके साथ जो है अगर उनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, टेक्निक नहीं है तो वो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हैं, इस तरह के सिम्टम का शिकार हो जाते हैं और अपनी जो है पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल लाइफ में डिस्टर्बेंस को फेस करते हैं। बहुत सारे ऐसे आर्म फोर्स जो है ऑफिसर्स देखे गए हैं जो इस डिसऑर्डर के साथ डायग्नोज किए गए हैं, क्योंकि वो जो है 24 घंटे जो है हेक्टिक रूटीन में गुजारते हैं, जिसकी वजह से वो पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है उनकी डिस्टर्ब हो जाती है। स्पेशली उनकी ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है डिस्टर्ब होती है, क्योंकि वो 24 घंटे जो है एमरजेंसी में वर्क करते हैं। रेस्क्यू वर्कर के अंदर भी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है डायग्नोज किया जाता है। फायर ब्रिगेड हो गया या इस तरह के जो लोग होते हैं जो एमरजेंसी में काम करते हैं, उनके अंदर भी जो है ये डायग्नोज किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को फेस करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर पर्सनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं। अब मैं बात करता हूँ इसकी ट्रीटमेंट के लिए। इसकी ट्रीटमेंट के लिए दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, पहले नंबर पर तो साइकेट्रिस्ट और दूसरे नंबर पर साइकोलॉजिस्ट। इस तरह के पेशेंट की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, छोटा सा भी इंसिडेंट अगर इनको याद आता है तो दिल की धड़कन फ़ौरन से तेज़ हो जाती है। इसके बाद जो है नींद बिल्कुल नहीं होती, भूख बिल्कुल नहीं होती। इसके अलावा जो है ये छोटी छोटी परेशानी को सर पर सवार कर लेती हैं, जिसकी वजह से इन्हें जो है मेडिसिन जो है साइकेट्रिस्ट प्रस्क्राइब करते हैं और इसके साथ साथ जो है साइकोलॉजिस्ट। अगर तो बच्चा है और वो उसकी उम्र जो है 4 साल से ऊपर है तो उनके साथ जो है इंडिविजुअल सेशन किए जाते हैं, नहीं तो ग्रुप सेशन कंडक्ट किए जाते हैं। प्ले थेरेपी यूज़ की जाती है और इंसिडेंट्स या एक्सपोजर थेरेपी भी बाज़ दफ़ा इन लोगों के साथ यूज़ की जाती है, लेकिन समटाइम ये जो है ख़तरनाक भी हो सकती है। अगर तो बड़ा है 4 साल से और अपनी लाइफ जो है, अगर 4 साल से बच्चा बड़ा है या कोई बड़ा इंसान है तो उसके साथ इंडिविजुअल सेशन कंडक्ट किए जाते हैं और उसके साथ साइकोथेरेपेटिक प्रोसीजर के जरिए मुख्तलिफ स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है और एक हायरार्की के अकॉर्डिंग स्ट्रेसेस को रिमूव किया जाता है। और इसमें जो है साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों का बहुत ज़्यादा अहम रोल भी होता है। जिन पेशेंट्स के अंदर इस तरह के जो है इंसिडेंट के बाद जो है सिम्टम्स आते हैं और वो रिजॉल्व नहीं कर पाते, उनको चाहिए कि वो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के साथ जो है कॉन्टेक्ट करें और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट
करवाएं। उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।